नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेसिपी डॉट कॉम में आपका स्वागत है। आज हम टेस्टी और हेल्दी लड्डू बनाने वाले हैं। आप देख सकते हो कितने अच्छे बढ़िया बने हैं, तो चलो हम उसकी रेसिपी देखते हैं। यहाँ पे मैंने आधा किलो सूखा नारियल लिया है, उसको मैंने बारीक कर लिया है। आप देख सकते हो मैंने बादाम लिया, काजू लिया और खारिक लिए। आप देख सकते हो उसका प्रमाण मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप देख सकते हो मैंने अच्छे से खारिक और जो बी रहती है अंदर की वो निकाल ली है और अच्छे से टुकड़े कर लिए। ये मैंने गोंद लिया है, 100 ग्राम गोंद लिया है मैंने, और ये मैंने गुड़ लिया है। गुड़ को भी मैंने बारीक कर लिया है। आप देख सकते हो अच्छे से बारीक करना है। अब मैंने एक कढ़ाई में घी डाला है, प्योर घी लेना है हमें। मैंने ये नेस्ले कंपनी के घी लिए, आप अमूल की भी ले सकते हो या घर पे जो बनाते हैं वो घी भी यूज कर सकते हो। अभी मैंने घी में गोंद डाल दिया है, आप देख सकते हो, और अच्छे से फ्राई करना है हमें, क्योंकि अंदर कच्चा ना रहे, अच्छे से हमें फ्राई करना है। ऐसा फुला फुला हो जाना चाहिए, वो पूरी तरह गोंद फूल जाना चाहिए। अंदर अच्छे से कच्चा रहेगा तो वो बीच में ही, लड्डू के बीच में ही लगता है। और गैस धीमी रखनी है। मैंने 100 ग्राम गोंद लिया है, गोंद को डिंक भी बोलते हैं, तो मैं सारा फ्राई करने वाली हूँ और सारा ही लड्डू में डालने वाली हूँ। डिंक हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। गोंद को मैंने अच्छे से भून लिया है, अभी हम उसको सारा निकाल लेंगे और बाद में सब जो हमने सामग्री ली है उसको ही हमें घी में भूनना है। अभी मैंने खारिक लिए, सूखा जो खारिक रहता है, खजूर भी बोलते हैं, तो वो भी मैं घी में ही भून लेने वाली हूँ अच्छे से। आप देख सकते हो मैंने अच्छे से उसको फ्राई कर लिया है, डीप फ्राई नहीं किया है। गोंद को हमने थोड़ा डीप फ्राई किया था, इसको खाली शैलो फ्राई किया है। अब ये भी मैंने निकाल लिया है। अभी मैं बादाम लूँगी और बादाम को भी अच्छे से फ्राई कर लूँगी। आप देख सकते हो अच्छे से हमें डालना है। मैंने अभी घी नहीं डाली है, वही जो हमने गोंद के तले हुए थे उसी घी में हमें सब ड्राई फ्रूट्स भी तल लेने हैं। मैंने बादाम भी अच्छे से भून लिए हैं। आप देख सकते हो हमें सारी तरफ अच्छे से भून लेना है, धीमी आंच में हमें भूनना है और सब निकाल लेना है। अलग अलग थोड़ी थोड़ी देर में हमें उसको भून लेना है। आप देख सकते हो मैंने अभी काजू डाला है, काजू को भी हम लोगों को अच्छे से थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। काजू जल्दी फ्राई हो जाता है तो इसलिए मैं थोड़ा सा मैंने घी डाला है। आप देख सकते हो थोड़ा घी डाला मैंने, सूखा हो रहा था इसलिए मैंने अभी उसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। आप इस लड्डू में मखाने भी डाल सकते हो, सिंगाड़ा बोलते हैं वो भी डाल सकते हो, पूरा ऑप्शनल है। इसमें किशमिश भी डाल सकते हो, जैसे आपको चाहिए वैसा आप ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हो। मैंने नहीं लिया है। अब देखो मैंने कढ़ाई में सूखा नारियल डाला है, सूखा नारियल को भी मैंने अच्छे से फ्राई करना है, भून लेना है उसको अच्छे से। खुशबू आती है तब कलर चेंज होगा, उतना हमें भून लेना है नारियल को। नारियल भूनते वक्त हमें धीमी आँच ही रखना है, नहीं तो नारियल नीचे से जल जाता है। आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा जो बारीक किया है वो भी जल जाता है, इसीलिए अच्छे से हमें फ्राई करना है उसको, अच्छे से भून लेना है। लगातार हाथ चलाते रहना है, नीचे जल ना जाए, ध्यान रहे नीचे जल ना जाए। लड्डू बनाने में वक्त तो लगता है, लेकिन ये लड्डू हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम एक मिक्सी के जार में खारिक था हमने जो फ्राई कर लिया था वो मैं मिक्सर के जार में ग्राइंड कर लूँगी। हमें खारिक को अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। आप देख सकते हो मैंने अच्छा सा उसका पाउडर बना लिया, थोड़ा वक्त लगता है पाउडर बनाने में, लेकिन अच्छा बन ही जाता है। आप देख सकते हो अच्छे से हो गया है जाड़ा। तुम्हें जैसा थोड़ा जाड़ा चाहिए तो आप जाड़ा रख सकते हो, बारीक चाहिए तो बारीक लग सकते हो। देख सकते हो आप अच्छा बन गया है। अभी हम बादाम को मिक्सर में से निकाल लेना है। हमें वही मिक्सर के जार में बादाम डालना है और बादाम को भी अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। आपको बारीक चाहिए तो बारीक पीस लेना और मोटा चाहिए तो मोटा रख देना, लेकिन बारीक ही पीसना चाहिए हमें, क्योंकि वो लड्डू में से अच्छे से मिक्स हो जाता है। आप देख सकते हो मैंने अभी काजू लिया है, काजू भी अच्छे फ्राई हो गए थे और काजू जल्दी पीसे जाते हैं, उसको देर नहीं लगती। आप देख सकते हो उसे अच्छे से वो पीसा हुआ है। आप देख सकते हो अभी हमने जो सूखा नारियल लिया है उसको हमें ग्राइंड कर लेना है। मैंने पहले हाथ से उसको क्रश किया है, पहले हाथ से क्रश कर लेना है। आपको ज़रूरत लगे मिक्सर में निकालने की तभी नहीं मिक्सर में निकालना है, तो मुझे थोड़ा ज़रूरत लगी तो मैं अब मिक्सर में थोड़ा निकालने वाली हूँ उसे।
थोड़ा ही मैं उसे ग्राइंड करने वाली हूँ। आप देख सकते हो नारियल को भी अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अभी हमारा बचा है गोंद, तो हम गोंद को हम मिक्सर में नहीं निकालने वाले, उसको हाथ से ही क्रश करने वाले हैं। आप देख सकते हो ऐसे हाथ से आसानी से क्रश हो जाता है। अच्छा हुआ फ्राई किया, अच्छा भुना है तो अच्छे से जल्दी से फ्राई है, क्रश हो जाता है। जब हम हाथ से क्रश करते हैं तब हमें थोड़ा ऐसा लगता है कि ये पका नहीं है और ये बना नहीं है, फ्राई नहीं हुआ है, वो निकाल लेना है। क्योंकि जब हम सारा लड्डू बनाएंगे तभी हमें लड्डू जब खाते वक्त तो वो हमारे दांत में आ सकता है, इसीलिए हमें अच्छे से चेक कर लेना है कि सारा हुआ है कि नहीं। देखो मैंने अभी वो एक देखा था, वो अच्छे से पका नहीं था, उसको मैंने निकाल लिया सारा। इसको हमें अच्छे से क्रश कर लेना है। आप देख सकते हो अभी मैंने एक कढ़ाई ली और कढ़ाई में मैंने घी डाला है, वो प्योर घी डालना है हमें, प्योर घी डालना है। डाल के मैंने खाली उसको मैं घी को गर्म कर रही हूँ, मुझे चाशनी नहीं बनाना है। गुड़ में यूज़ करने वाली हूँ लेकिन मैं गुड़ की चाशनी नहीं बनाने वाली हूँ। आप देख सकते हो खाली मैं घी को गर्म कर रही हूँ। अब हमें बड़ा बर्तन लेना है क्योंकि छोटे बर्तन में एडजस्ट नहीं होगा, मिश्रण ज़्यादा है। तो हम सारी चीज़ें मिक्स कर रहे हैं। आप देख सकते हो सारी चीज़ें हमें अच्छे से एक दूसरे में मिक्स कर लेनी है, कहीं भी इधर उधर ना हो, अच्छे से सारी चीज़ें एक दूसरे में मिक्स हो, ऐसे हमें मिक्स करना है। आप देख सकते हो मैं कैसा कर रही हूँ, अच्छे से घुमा घुमा के उसको अच्छे से मिक्स करना है, प्रेस करना है ताकि सब चीज़ें एक जैसी हो जाए। आप देख सकते हो मैंने सारी सामग्री एक दूसरे में अच्छे से मिक्स कर ली है। आप देख सकते हो थोड़ा हमें जाड़ा लगे, मोटा लगे तो तुम मिक्सर में थोड़ा और निकाल सकते हो। अभी मैंने जो घी गरम किया था, जो मैंने हमने देखा वो घी में थोड़ा सा मैंने गुड़ डाल के देखा, चाशनी हमें नहीं बनाना है, ये घी गरम हो चुका है, अब हम उसमें गुड़ डालेंगे। मैंने गैस बंद कर लिया है। गुड़ डालने के बाद हमें वो गुड़ घी में ही ऐसे ही रहने देना है थोड़ी देर के लिए, ताकि वो नरम हो जाए, सॉफ्ट होने लगेगा वो घी में, क्योंकि घी थोड़ा गर्म है। इसीलिए ऐसा हमें घी में गुड़ डालने के बाद हमें चम्मच से या किसी चीज़ से उसको बारीक से सॉफ्ट होने में कोशिश करनी है, ऐसा प्रेस करके। आप देख सकते हो ऐसा अच्छे से प्रेस होने के बाद वो सॉफ्ट हो जाता है, गुड़ पिघलने लगता है। आप देख सकते हो मैं थोड़ी देर रहने दूंगी और बाद में उसको अच्छे से प्रेस करके सॉफ्ट हो जाएगा। हम चाशनी भी बना सकते थे लेकिन ये हम छोटे बच्चों का, जब हम ये लड्डू बनाते हैं ये तो सबके लिए बहुत ज़रूरी है खाने, इसीलिए छोटे बच्चों का हम जब ये लड्डू देते हैं तो उनके उनसे ये टूटता नहीं है, इसीलिए ये इस तरीके से हमने बनाया तो वो जल्दी से पिघल जाते हैं, मुँह में ही पिघल जाते हैं। आप गुड़ देख सकते हो अच्छे से वो पिघल गए हैं, अच्छा सॉफ्ट हो गया है घी में ही गुड़। आप देख सकते हो ये हमें हिलाते रहना है, इधर उधर करके रहना है। घी और कढ़ाई ठंडा हो जाए तो आप हाथ से भी वो सॉफ्ट कर सकते हो, कुछ तकलीफ़ नहीं होती। अब हमने वो सॉफ्ट कर लिया है, अब ये मिश्रण में हम वो गुड़ डालेंगे। आप देख सकते हो मैं डाल रही हूँ, ये मिश्रण को एक जैसे में एक दूसरे में मिक्स करना है, अच्छे से बारीकी से मिक्स करना है एक दूसरे में। आप देख सकते हो मैंने सब डाल दिया है, पहले चम्मच से करना है, बाद से आप हाथ से कर सकते हो। अब हम हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्योंकि चम्मच से अच्छे से मिक्स नहीं होगा, इसीलिए हमें हाथ से ही ये वर्क करना पड़ेगा। आप देख सकते हो मैं अच्छे से उसको मिक्स कर रही हूँ। लड्डू बनेगा ऐसा हमें अच्छे से मिक्स करना है, और थोड़ा हमें ज़्यादा गुड़ लगा तो और ज़्यादा गुड़ डालना है। आप देख सकते हो मैंने अच्छे से उसको मिक्स कर लिया है, सब चीज़ें दोनों हाथों से लेकर अच्छे से एक दूसरे हाथ में लेकर उसको प्रेस करके उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हो प्रोसेस मैं अच्छे से वैसे मिक्स कर रही हूँ ताकि वो अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो जाए। आप देख सकते हो मैं क्या कर रही हूँ, वैसा ही करना है आपको। अच्छे से मिक्स हो गया है, अभी हम लड्डू बना सकते हैं। देखो अच्छे से लड्डू बन रहे हैं, देख सकते हो कितने अच्छे लड्डू बने हैं। छोटे साइज में या बड़े साइज में आपको जो साइज चाहिए उस साइज में आप लड्डू बना सकते हो। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं लड्डू की साइज़ छोटी ही रख रही हूँ क्योंकि मेरे दोनों बच्चों को बहुत ही पसंद है लड्डू, वो दिन भर में दो तीन तो लड्डू खा ही लेते हैं, इसीलिए मैं छोटी साइज ही रख रही हूँ क्योंकि वो दिन भर में ज़्यादा खाना भी अच्छा नहीं है, गर्म लड्डू रहते हैं इसीलिए। अब मैं सारे मिश्रण का लड्डू बना लेती हूँ। देख सकते हो आप सारे लड्डू मैंने बना लिए हैं। आप देख सकते हो सबसे लड्डू मैंने बना लिए है। रेसिपी ज़रूर ट्राई करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। Thank you.